कि मालूम है मोदी सुप्रीम कोर्ट में फंसने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट जानना चाहेगा कि 45 वर्ष से ज्यादा आयु के लोगों को मुफ्त में टीका और 45 वर्ष से कम आयु वालों को खरीद करके टीका। तुम तो डकैती डाल रहे हो, डकैती। एक एक लीटर पेट्रोल पर 32-32 रुपए की डकैती तुम डाल रहे हो। क्या आपने 88,000 रुपए का राशन दिया? आपने 20,00,000 रुपए को कोरोना राहत के नाम पर गबन किया है। कितने परिवारों को आपने 88,000 रुपए दिया? कहां गया हमारे देश के एक एक परिवार का 88,000 रुपए? हमने वैक्सीन बनाई है। अरे कौन से एक वैज्ञानिक ने वैक्सीन बनाई, जरा आप बताइए, उनके नाम उजागर कीजिए। आप झूठ बोलते हैं। विदेशी कंपनियों के माल को बनाने वाली कंपनियां भारत में, हाँ, मेड इन इंडिया आप इसे कह सकते हैं। आप कह रहे हैं कि ये कोरोना यात्रा, अरे कोरोना यात्रा नहीं है मोदी जी। जवान जवान बच्चों को कंधे पे, उनकी अर्थी को कंधा दिया। अब देखिए क्या हो रहा है। मोदी दावा कर रहे हैं, जब हमारी सरकार नहीं थी, जब विश्व में कोरोना की बात नहीं कह रहे, पिछली सरकारों के कार्यकाल की बात हो रही है, जब संसार में टीकाकरण का काम दूसरे राज्य देशों का समाप्त हो जाता था, भारत में तब टीकाकरण शुरू होता था। हमारे समय में जो टीकाकरण, हम जब आए सत्ता में तो 60% था, हमने 90% पहुंचाया। अरे इतिहास पर बात करेंगे तो इतिहास बहुत कुछ कहेगा मोदी जी। मौजूदा दौर पर बात कीजिए, सिर्फ कोरोना के इतिहास पर बात करते हैं आप और हमारा देश। आपसे मैं देशवासियों आपको बताना चाहता हूं और जानना चाहता हूं आपसे भी, लेकिन भारत को इस दशा में पहुंचाया किसने है? देशवासियों ने पहुंचाया क्या? विपक्ष ने पहुंचाया क्या? राज्य की सरकारों ने पहुंचाया क्या? अरे पूछिए नरेंद्र मोदी से, और नरेंद्र मोदी जी आप बताएं देश को। ये जो आप राग अलाप रहे हैं, रोना अलाप रहे हैं, देश आपसे जानना चाहता है। कोरोना की दूसरी लहर, जब कोरोना अपने स्वरूप को बदल रहा था, तब देश और दुनिया के वैज्ञानिकों ने आपको आगाह किया। 28 जनवरी को दावोस की सभा को संबोधित करते हुए हमारे देश और दुनिया के वैज्ञानिकों का मजाक तुमने उड़ाया। मोदी, तुमने कहा हमने कोरोना हरा दिया है। तुम्हारे अंदर मूर्ख भक्त, जो ताली और थाली बजाने वाले, घंटी और घड़ियाल बजाने वाले, दीप जलाने वाले, जिन मूर्खों को यह मालूम है ताली और थाली से वायरस भागता है क्या मोदी? घंटी और घड़ियाल से वायरस भागता है क्या? आप समझ लीजिएगा। दूसरा, मैं महत्वपूर्ण फिर सवाल करना चाहता हूं नरेंद्र मोदी, कि हमारा देश और दुनिया जानना चाहती है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 31 जनवरी को विश्व वैश्विक महा आपातकाल घोषित कर दिया था कोरोना को, तब तुम चुप रहे, क्योंकि तुम्हारी नियत में खोट था। तुम नहीं चाहते थे कि देश कोरोना से बचे, तुम्हारी नियत में था, क्योंकि 21 दिसंबर को तुम्हारे साथ सौदाबाजी हो चुकी थी मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार को गिराने वाले बिकाऊ विधायकों की। आप कह रहे हैं कि ये कोरोना यात्रा, अरे कोरोना यात्रा नहीं है मोदी जी। जवान जवान बच्चों को कंधे पे, उनकी अर्थी को कंधा दिया। बुजुर्ग पिताओं ने, दादाओं ने पोतों को कंधा दिया, पोतियों को कंधा दिया, बहू और बेटे को कंधा दिया। अरे आप कह रहे हो यात्रा, अरे सब तुम्हारी तरह निपुत नहीं है, परिजन भी हैं लोगों के, यात्रा का मामला नहीं है। अब आपने कह दिया कि आप जो है बहुत बड़ा उदार हृदय, 18 साल से ज्यादा आयु के लोगों को आप मुफ्त टीका देंगे, क्योंकि मालूम है मोदी सुप्रीम कोर्ट में फंसने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट जानना चाहेगा कि 45 वर्ष से ज्यादा आयु के लोगों को मुफ्त में टीका, 45 वर्ष से कम आयु वालों को खरीद करके टीका, तो फंस जाएगा मोदी सरकार। और 35,000 करोड़ रुपए का हिसाब किताब दे नहीं पा रहे। 35,000 करोड़ रुपए कहां गया? आप दावा कर रहे हमने वैक्सीन बनाई है। अरे कौन से एक वैज्ञानिक ने वैक्सीन बनाई, जरा आप बताइए, उनके नाम उजागर कीजिए। आप झूठ बोलते हैं। विदेशी कंपनियों के माल को बनाने वाली कंपनियां भारत में, हाँ, मेड इन इंडिया आप इसे कह सकते हैं। भारत के वैज्ञानिक, तो 900 वैज्ञानिक आपको पत्र लिख चुके हैं कि जानने के लिए कि जो कोरोना का दूसरा स्वरूप भारत में रंग बदला है, जो स्वरूप बदला है, उसकी डिटेल दें, ताकि हम उसके मुकाबले की तैयारी के लिए कुछ करें। और आप, जब देश को कोरोना से बचाना था,
तब मोदी सरकार अपनी इमेज बचाने में लगी हुई थी, और आज आप गाल बजा के कह रहे हमने 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में तब भी राशन दिया था और अब भी दिवाली तक राशन देंगे। हमारे देश की औसत 25 करोड़ परिवार हैं, एक एक परिवार के हिस्से माननीय नरेंद्र मोदी दामोदर दास मोदी 88,000 रुपए आते हैं। कितने परिवारों को आपने 88,000 रुपए दिया? कहां गया हमारे देश के एक एक परिवार का 88,000 रुपए? क्या आपने 88,000 रुपए का राशन दिया? आपने 20 लाख करोड़ रुपए को कोरोना राहत के नाम पर गबन किया है। हम आपको दावे के साथ मैं कह सकते हैं, मैं भारतीय किसान मजदूर संयुक्त यूनियन का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं और लाखों लाख लोग हमारे देश में हमारी यूनियन से जुड़े हुए। मैं एक एक किसान और मजदूर का शपथ पत्र आपको दे सकता हूं नरेंद्र मोदी जी, कि 88,000 रुपए में से 88,100 रुपए भी आपने हमारे किसान मजदूरों को नहीं दिए। ये गबन किया आपने, नहीं मिला मजदूरों को और खेतीहर किसानों को, वो पैसा कहां गया? 35,000 करोड़ रुपए का हिसाब किताब जो आपने कहा आपने वैक्सीन के लिए रखा हुआ है, उसका हिसाब सुप्रीम कोर्ट मांग रहा था, आप नहीं दे पाए। तब आप 88,000 रुपए का गबन करके एक एक परिवार के हिस्से और कुछ 100 रुपए का राशन पहुंचा करके ये दावा कर रहे हैं कि आप मुफ्त में ही राशन पहुंचा रहे। नरेंद्र मोदी जी, ये दोहरी भाषा है, इस भाषा को आप तब्दील करो। या तो देश को बताओ कि आपने झूठ बोला था, आपने देश के अंदर 20 लाख करोड़ रुपए की राहत की पैकेज नहीं किया और फिर भी इतना 20 लाख करोड़ रुपए आपने देश के लिए आवंटित किया था, तो वो पैसा आपने किसको दिया? क्या वो पैसा भी आपने अदानी अंबानी को दिया? मैं हॉकर वेंडर्स की तरफ से आपको कह सकता हूं कि किसी भी हॉकर वेंडर्स को उस 88,000 एक एक परिवार को मिलना था, वो पैसा उनको नहीं मिला। मैं झुग्गी बस्ती से लेकर राजधानी दिल्ली के नाली की कॉलोनी के 50 लाख आबादी के बीच में से दावा कर सकता हूं कि किसी परिवार को 88,000 रुपए नहीं मिला। अब आप दावा कर रहे हैं और आप दावा कर रहे हैं हमसे पहले कि ये सब नहीं होता था, और आपके आने के बाद बहुत कुछ हुआ है। माननीय नरेंद्र मोदी जी, यकीनी तौर पर मैं दावे के साथ मैं कह सकता हूं, तुम्हारे में अगर इंसानियत है, शर्म है, तो तुम्हें चुल्लू हर पानी में डूब मरना चाहिए। एक मिनट भी कुर्सी पर रहने का हक नहीं है। हमारे देश में 31 जनवरी को एक ही कोरोना का वायरस था और तुम्हारे जैसे वायरस ने मध्य प्रदेश की सरकार गिराने के लिए ट्रंप नमस्ते ट्रंप का आयोजन कराने के लिए हमारे देश को कोरोना काल में भेजा। मैं आपको बताना चाहता हूं देशवासियों, पहली बार जब तालाबंदी हुआ तो देश के अंदर 60 लाख करोड़ का नुकसान हुआ, उस 60 लाख करोड़ का नुकसान, और अभी दूसरी लहर में मात्र 3 महीने में अप्रैल मई और जून में गारंटी के साथ में 8.5 लाख करोड़ का नुकसान, ये इतनी भरपाई कौन करेगा? हमारे देश में रिपोर्ट है 23 करोड़ लोग गरीबी की रेखा के नीचे चले गए, उनकी आमदनी बहुत कम हो गई है, उनकी भरपाई कौन करेगा? 1 करोड़ से ज्यादा लोगों की रोजी रोटी छिन गई है दूसरी लहर में, और पहली लहर में नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के 14 करोड़ लोगों को आपने चलाया। आपने माफी नहीं मांगी, या जिनकी आपने हत्या करवा दी चलते चलते, जो भूख से मरे उनसे आप माफी नहीं मांगते, जिन महिलाओं ने समय से पहले बच्चे जने उनसे आप माफी नहीं मांगते हैं, जो रेल की पटरी से कटके मर गए उनसे आप माफी नहीं मांगते हैं, जिनके शवों को चील कौवे कुत्ते खा रहे मोदी, तो उनसे भी माफी नहीं मांग रहे हो। जो ऑक्सीजन प्राण वायु के लिए तड़पते तड़पते मर गए, तुमने देश का ऑक्सीजन विदेशों को बेचा प्राणवायु देशवासियों का, जिनकी तुमने जान ले ली, तुम उनसे माफी नहीं मांग रहे हो। जिन गरीबों के हिस्से का 88,000 रुपए एक एक परिवार के हिस्से का तुमने गबन कर दिया, तुम उनसे माफी नहीं मांग रहे हो। तुम तो डकैती डाल रहे हो, डकैती, एक एक लीटर पेट्रोल पर 32-32 रुपए की डकैती तुम डाल रहे हो। कह रहे हो किसानों को 6,000 रुपए दे रहे हैं। अरे भाई, उसके 6,000 रुपए देने में, और मोदी जी आप डकैती डाल रहे हैं डीजल में, डकैती डाल रहे हैं गैस में, और डकैती डाल रहे हैं पेट्रोल में, तब आपको शर्म नहीं आ रही? आपदा में अवसर का मामला है, लूट रहे हैं आप हमारे देश के किसान को, मजदूर को, आदिवासी को, जो कोरोना के साथ में फोर्थ फ्रंट पर लड़ रहे हैं, उन लोगों को डीजल पेट्रोल गैस के नाम पर उनको भी लूट रहे हैं।
और आप गाल बजा रहे हैं कि पहले की सरकारें नहीं करती थी। अरे एक जमाना था कि मोबाइल नहीं था मोदी जी, एक जमाना था कि यहाँ हमारे देश के अंदर संसाधन नहीं थे। आपको क्या पता, आप तो उस परिवार से हैं जो देश की आज़ादी के जंग में गोरों की मुखबिरी कर रहा था। आप उस परिवार से हैं जो परिवार से देश के खिलाफ था। आप उस परिवार से हैं जिस परिवार ने हमारे देश के टुकड़े टुकड़े करवा दिए। आप उस परिवार से हैं जो हमारे देश और दुनिया में इंसान से इंसान में नफरत फैलाता है। आप कैसे बात कर रहे हैं? इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप माफ़ी मांगें कि आपने मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार गिराने के लिए अपने दोस्त ट्रंप का नमस्ते ट्रंप कराने के लिए देश को कोरोना में झोंका। आप माफी मांगे देश से कि मात्र 500 मामले होने पर देश में भर में कोरोना फैलाने के लिए आपने ताला बंद कर दिया और आपने 8 से ज्यादा लोगों की हत्या करवा दी, उनसे माफी मांगा। मोदी माफी मांगे आप वो रेलवे हॉकर बेंडर्स से जिनसे आप किराया वसूलना चाह रहे हैं। आपको बता दूं, एक एक रेलवे स्टेशन पर हमारे हॉकर्स भूखे मर रहे हैं और तुम उनसे किराया वसूल रहे हो। उनके हिस्से का 88,000 रुपए अदा कर दो। ये बात हम आपसे कहने के लिए आए हैं और हम फिर कहना चाहते हैं आपको, ये देश का रोग नहीं है, ये रोग नरेंद्र मोदी की सरकार का लाया और फैलाया रोग है। इसकी भरपाई भी नरेंद्र मोदी सरकार को करनी पड़ेगी। टैक्स वसूली तुम करो और जब तुम असफल हो जाओ तब तुम रोना शुरू कर दो, रोना बिलाप शुरू कर दो। ये नहीं चलेगा, ये ज़्यादा नहीं चलेगा।